नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। डीएसपी बराड़ा अनिल कुमार ने गांव थंबर में बैठक आयोजित कर ग्रामीणों को नशे के खिलाफ जागरूक कर सर्च अभियान चलाया। नशा करने वाले और बेचने वालों के घरों की तलाशी ली गई। डीएसपी बराड़ा अनिल कुमार ने कहा कि नशे के विरुद्ध पूरे देश और प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान में समाज के सभी लोगों को मिलकर कार्य करना होगा। गांव थंबर में सरपंच रोहताश राणा के विशेष सहयोग से बैठक के आयोजन में बोल रहे थे, जहां पुलिस स्टाफ और गांव के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, गृह मंत्री अनिल विज और अम्बाला के एसपी जशनदीप सिंह रंधावा का भरसक प्रयास है कि वे नशे को जड़ से उखाड़ कर खत्म कर सकें और अपनी युवा पीढ़ी को एक नया जीवन दान दे सकें। उन्होंने कहा कि वे नशे की लत से जूझ रहे युवाओं को जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयासरत हैं, जिसके लिए एक नशा मुक्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। बराड़ा से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा की रिपोर्ट। नशे को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, जो गांव में आज रेड डाली गई है? आज गांव थंबड़ में हमारे जो पुलिस का सुरक्षा दस्ता यहां पे मौजूद है, हमारे साथ एएनसी इंचार्ज वीरेंद्र कुमार और सरपंच रोहतास थंबर और हमारे पुलिस के हमारे वर्दी के वर्दीदारी साथी, प्रेस के बंधु छायाकार साथी और हमारे गांव के मौजूद आदमी थंबर। तो हमारा आज यही नशे और नशेड़ी को लेकर के एक अभियान हमारा चला है। उसके अंदर हमने कई जगह सर्च अभियान भी चलाया और पब्लिक से भी हमने इस प्रकार की डिस्कस की कि कोई भी काली कमाई से ना जिए, जो उसकी हक की कमाई है उससे जिए और कोई भी नशा ना बेचे और नशा ना करे। जो भी नशे के आदि हैं, नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, उनके लिए हमने नशा मुक्ति केंद्र भी यहाँ पे देखा हुआ है, तो उनको वहाँ पे शिफ्ट कराएंगे। और जो बाहर से बेचते हैं नशा आकर के, उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है, क्योंकि हमने नशे से लड़ना है, नशेड़ी से नहीं, उसको तो उससे बाहर लेके आना है। तो इस प्रकार से हम लिस्टें तैयार कर रहे हैं और कमेटी भी पहले से गठित है और अभी रिसेंटली 4 दिन पहले भी हमारा केंद्रीय सरकार की तरफ से और स्टेट सरकार की तरफ से भी कोऑर्डिनेटर नशे के बारे में यहाँ स्कूल में कैंप लगाया गया था, उसमें भी उन्होंने काफ़ी नशे के बारे में, नशा छोड़ने के बारे में बताया और नशे के कितने भयंकर परिणाम निकलते हैं नशा करने से, समाज को क्या नुकसान है, परिवार को क्या नुकसान है, देश को क्या नुकसान है, वो सारी चीज़ों पे बिल्कुल यहाँ पे चर्चा हुई और थंबड़ को ही चुना गया। बड़ा गांव होने के नाते या फिर हमारा क्राइम डाटा को देखते हुए इस प्रकार से उनको चयनित किया जा रहा है, गांवों को जहाँ पे कोई गलत तरीके से हमारा समाज भटक रहा है, गलत लाइन पे जा रहा है, तो उसको दूर करने के लिए हमने समाज का भी सहयोग मांगा है। तो इस प्रकार की हम लिस्टें अभी तैयार कर रहे हैं कि कौन कौन है, किस मोहल्ले में है, तो वहाँ के जो पंच हैं, नंबरदार हैं, सरपंच है, मौजूद आदमी है, तो उन सब को इस कमेटी में लिया जा रहा है ताकि सभी मिल करके यही कहेंगे कि हम नशे को जड़ से उखाड़ करके रहेंगे। क्योंकि हमारे गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्री माननीय अनिल विज जी का स्पष्ट यही निर्देश है कि अपराध और अपराधी को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है। और इस मुहिम को हमारे पहले ही सीनियर अधिकारी आईजी श्री सुभाष कविराज और एसपी सरदार जसनदीप सिंह जी रंधावा काफ़ी समय से इस पे कमर कसे हुए हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।